हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ के लिए चैप्टर नंबर टेन दैट इज स्ट्रेट लाइंस तो आज की वीडियो में कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लास्ट एट लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाकर देख सकती हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टेन की मिसलेनियस एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर वन है हमारा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ़ के फॉर विच द लाइन तो ये आपको लाइन गिवन है ठीक है इज पैरलर टू द एक्स एक्सेस ठीक है तो सबसे पहला पार्ट मैं दे रही हूँ कि पैरलर है ये एक्स एक्सेस के अब जो लाइन जो है वो अगर पैरलर है एक्स एक्सेस के अगर किस कार्टिशन प्लेन में समझें तो ये हमारी एक्स एक्सेस होती है ठीक है दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश अगर कोई लाइन यहाँ पर है एंड दैट इज़ पैरलर टू एक्स एक्सेस वो कुछ इस तरह से होगी ठीक है तो कोई भी लाइन जो है एनी लाइन जो पैरलर होगी एक्स एक्सेस की ठीक है इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होगी वो फॉर्म होगी वाई इज इक्वल्स टू पी वे पी सम कॉन्स्टेंट ठीक है वेयर पी इज़ सम कॉन्स्टेंट यही चीज़ होगी ना यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर जहाँ पर मतलब कोई भी एक्स की टर्म नहीं होगी सो देअर फोर देयर विल बी नो एक्स टर्म तो एक्स की टर्म कोई नहीं होगी अब इस लाइन में एक्स की टर्म अगर नहीं है तो वो क्या होगी ज़ीरो होगी ठीक है तो ये जो एक्स की टर्म है इसमें एक्स की टर्म क्या है ये वाली टर्म है तो ये मतलब क्या होगी ज़ीरो होगी ठीक है सो देअर फोर एक्स k माइनस थ्री एक्स उधर चला जाएगा ज़ीरो बन गया ठीक है सो k इज इक्वल्स टू थ्री हमें बेसिकली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर वो पैरलर है लाइन x एक्सिस की अगर वो पैरलर है x एक्सिस के तो मतलब वहाँ पर x वाली टर्म नहीं होगी सिंपल सी बात है ठीक so है सो सेकेंड पार्ट पे बी पार्ट पे मूव करते हैं पैरलर टू द वाई एक्सेस ठीक है अब जो लाइन पैरलर होगी वाई एक्सेस के अगर इसको कार्टिशन प्लेन में समझें अगर ये हमारा वाई एक्सेस है अगर कोई लाइन है यहाँ पर पैरलर टू द वाई एक्सेस वो इस तरह से कुछ होगी तो मतलब इसमें क्या होगा देयर विल बी नो वाई टर्म ठीक है देयर विल बी नो वाई टर्म कोई इसमें वाई टर्म नहीं होगी ठीक है क्योंकि इस, जो उस लाइन होगी लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी वेयर पी इज सम कॉन्स्टेंट ठीक है सो देर इज नो वाई टर्म तो इसमें वाई टर्म देखो लाइन में कौन सी है ये वाली आपकी वाई टर्म है ठीक है तो so, इसको जीरो पुट कर दो सो माइनस ऑफ फोर ऑफ माइनस ऑफ के स्क्वेयर इन टू वाई इक्वल्स टू जीरो ठीक है माइनस फोर माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो वाई उधर चला गया ठीक है सो माइनस फोर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ठीक है तो ये आ गई के की वैल्यू प्लस माइनस टू वैन इट इज़ पैरलर टू द वाई एक्सिस ठीक है अब लास्ट आ गया हमारा सी पार्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो पासिंग थ्रू द ओरिजन तो अगर हम इसे कार्टिशन प्लेन से समझें तो ये हमारा ओरिजिन होता है ठीक है दैट मीन्स लाइन जो है वो इस ओरिजिन से पास कर रही है ओरिजिन तो से पास कर रही है ओरिजन के कॉर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो कॉमा जीरो दैट मीन्स ये जीरो कॉमा जीरो जो कॉर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये लाइन को लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है ठीक है सो so हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन द लाइन ठीक है ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन में आप पुट कर दीजिए ठीक है सो so, आपका जो k माइनस थ्री इंटू ज़ीरो हो जाएगा फोर माइनस के स्क्वायर इंटू जीरो हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्स्टेंट टर्म पीछे लिखी हुई है k की फॉर्म में सिर्फ ये रह जाएगी ये भी जीरो ये भी जीरो हो गया तो बचा क्या रह गया के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ से इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके आप क्या करो इसको स्प्लिट करो और यहाँ पर आप k की वैल्यू कैलकुलेट करो सो so, k माइनस सिक्स आ गया यहाँ से वन कॉमन k माइनस सिक्स ठीक है सो so, k माइनस वन एंड k माइनस सिक्स ठीक है इसको दोनों को ज़ीरो पुट करो सो so, k माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक के की वैल्यू आई वन और एक के की वैल्यू आई सिक्स ठीक है तो देखो जब पैलट था एक्स एक्सेस के तो के की वैल्यू थ्री आई थी ठीक है जब पहला था वाई एक्सिस के तो के वैल्यू प्लस माइनस टू आई। जब पास कर रहा है थ्रू द ओरिजिन तो के की वैल्यू दो वैल्यूज है वन एंड सिक्स ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू ठीक है तो ये नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पर मैं ये जो पार्ट है वो आपका सिलेबस में नहीं है इस सेशन के लिए तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर स्किप कर रही हूँ ठीक है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्स ऑन द एक्सिस हु सम एंड प्रोडक्ट आर वन एंड माइनस सिक्स यानी कि जो सम है वो वन गिवन है और प्रोडक्ट जो है वो माइनस सिक्स गिवन है किसका प्र सम और प्रोडक्ट इंटरसेप्ट का ठीक है अब हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता है अच्छे से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन वेयर ठीक है जो ए है वो आपका क्या है एक्स इंटरसेप्ट है ठीक है और जो आपका बी है वो आपका होता है y इंटरसेप्ट ये तो आपको जब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी तब आपको करवाया था ठीक है अब ये इंटरसेप्ट हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मतलब इनका जो सम है यानी कि हमें गिवन है कि ए प्लस बी का जो सम है वो वन है और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो माइनस सिक्स है ठीक है तो यहाँ से ये यह हमें मिल गई दो इक्वेशंस अब दो वेरिएबल्स हैं दो इक्वेशंस हैं वी कैन सॉल्व इजीली ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन में से मैं यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ दैट इज़ वन माइनस बी ठीक है अब ये ए की वैल्यू जो है वो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर टू ठीक है इक्वेशन नंबर टू कौन सी है ये वाली है ठीक है तो ए की वैल्यू पुट करो वन माइनस बी और साथ में बी इक्वल्स टू माइनस सिक्स सॉल्व करो बी माइनस बी स्क्वेर इक्वल्स टू माइनस सिक्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो बना लिया तो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर ठीक है बी और यहाँ पर माइनस सिक्स ठीक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे सो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं थ्री और टू में ठीक है माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सो so, b माइनस थ्री कॉमन आ गया टू कॉमन b माइनस थ्री आ गया ठीक है सो b प्लस टू एंड b माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि आपकी b की जो दो वैल्यूज़ आई हैं b की वैल्यू माइनस टू आई है और एक b की वैल्यू जो है वो आई है आपकी थ्री आई है ठीक है इसको ज़ीरो ज़ीरो पुट करके अब जब हमारा b जो है वो माइनस टू है तो ए की वैल्यू क्या होगी तो ए इज इक्वल्स टू वन माइनस बी है सो वन माइनस माइनस टू यानी कि कितना हो गया थ्री एंड वेन अवर बी इज इक्वल टू थ्री है सो so ए की वैल्यू होगी वन माइनस थ्री डैट इज इक्वल्स टू माइनस टू तो यानी कि हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए एक बना ए की वैल्यू थ्री है तो बी की वैल्यू माइनस टू है ठीक है और यहाँ से बना ए की वैल्यू माइनस टू है और बी की वैल्यू थ्री है ठीक है अब दो हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ आ गई अब यहाँ पर हम पुट करेंगे और इक्वेशंस ऑफ द लाइंस निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन तो सबसे पहला वाला ये मैं पुट कर रही हूँ सो एक्स अपॉन थ्री ठीक है वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वन ठीक है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन थ्री माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन तो ये आ गया टू एक्स थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स सो एक इक्वेशन आपकी बन गई टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स ठीक है जी अब दूसरी बारी में हम ये वाला पुट करेंगे ठीक है तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन तो एक्स अपॉन माइनस टू ठीक है वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ एक्स माइनस एक्स अपॉन टू ठीक है प्लस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन नाउ टेक एल्सियम ठीक है तो ये आ गया माइनस थ्री एक्स टू वाई इज इक्वल टू सिक्स सॉरी वन ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स सो दिस इज द अदर इक्वेशन तो ये आ गया आपके क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर वॉट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस तो पॉइंट्स ऑन द क्या है वाई एक्सिस है ठीक है सो हम मान लेते हैं कि लेट पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस तो अगर वाई एक्सिस पे है तो मतलब उसका एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा तो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस क्या बन गया जीरो कॉमा वाई ठीक है साफ सी बात अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका जो एक्स कॉर्डिनेट है वो ज़ीरो होगा ठीक है हु इज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज़ फोर यूनिट्स तो आपको डिस्टेंस जो है वो आपको फोर यूनिट्स केवन है सो डिस्टेंस केवन है फोर यूनिट्स ठीक है और ये आपकी इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो एलसीएम ले, ले लेती हूँ मैं यहाँ पर ट्वेल्व आ गया एलसीएम सो दिस इज फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन ठीक है सो फोर एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है इज इक्वल्स टू ट्वेल्व फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो मेरी बन गई इक्वेशन ठीक है अब मेरे पास पॉइंट है मेरे पास डिस्टेंस है मेरे पास इक्वेशन है इक्वेशन से अगर देखूं तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू फोर आ गई बी की वैल्यू थ्री आ गई सी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व आ गई है ना और पॉइंट हमारा क्या है जीरो कॉमा वाई यानी कि ये एक्स वन होगा और ये हमारा वाई वन होगा और डिस्टेंस तो हमें फोर यूनिट्स गिवन है तो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड के अंदर रखेंगे डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं सो so फोर हमारा डिस्टेंस गिवन है ए की वैल्यू है फोर एक्स वन की वैल्यू है जीरो बी की वैल्यू है थ्री वाई वन की वैल्यू है वाई ठीक है सी की वैल्यू है आपके पास माइनस ट्वेल्व ठीक है मॉड के अंदर रखा है इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है फोर इज इक्वल टू तो ये हो गया हमारे पास ये तो ज़ीरो ही हो गया थ्री वाई माइनस ट्वेल्व बचा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिक्सटीन प्लस नाइन ठीक है सो थ्री वाई माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई तो ये हो जाएगा आपके पास फाइव क्योंकि रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फाइव नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं सो फोर इज इक्वल टू ठीक है मॉड ऑफ थ्री वाई माइनस ट्वेल्व ठीक है और ये जो फाइव है ये भी हम इसको मॉड के अंदर ही रख लेते हैं ये पूरा ही मैं मॉड लगा देती हूँ क्योंकि ये प्लस माइनस फाइव वैल्यू आ जाएगी ना ठीक है अच्छा जी अब यहाँ पर अब जब मॉड हमने हटाना है तो मॉड हटाना है तो या तो प्लस वैल्यू होगी फोर की या माइनस वैल्यू होगी जैसे हमने अब मॉड हटाया ठीक है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस फोर बन जाएगी ठीक है तो दो वैल्यूज के साथ हम अब वाई की वैल्यू निकालेंगे थ्री वाई माइनस ट्वेल्व बाई फाइव इज इक्वल्स टू फोर पॉजिटिव का फोर और एक बार नेगेटिव का फोर ठीक है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी तो ये उधर जाएगा थर्टी टू तो वाई इज इक्वल टू थर्टी टू बाई थ्री आ गया ठीक है एक ये वैल्यू आ गई थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस हो जाएगा ट्वेल्व उधर जाके माइनस एट बचा तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एट बाई थ्री ठीक है तो पॉइंट क्या हो गया आपका पॉइंट हो गया लेटर से ये पी पॉइंट था तो पॉइंट हो गया आपका जीरो कॉमा वाई यानी कि जीरो कॉमा थर्टी टू बाई थ्री या फिर आपका जो पॉइंट है वो बन गया जीरो कॉमा माइनस एट बाई थ्री ठीक है तो ये आ गया आपके दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स दैट आर ऑन वाई एक्सिस जिनका डिस्टेंस जो है वो फोर यूनिट्स है इस पर्टिकुलर लाइन से ठीक है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस फाइव साइन फाइव ठीक है तो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम द ओरिजन ओरिजन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जीरो जीरो टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स अब यहाँ पर ना एक लाइन है जिसके हमें पॉइंट्स गिवन है जैसे कि कॉस थीटा और साइन थीटा ठीक है और लाइन का दूसरा पॉइंट है आपका कॉज फाइव और साइन फाइव ठीक है अब इस लाइन की इक्वेशन तो हमें पता नहीं तो पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालना ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट तो हमें गिवन है जीरो कॉमा जीरो बट लाइन की इक्वेशन नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ठीक है अब यहाँ पर दो पॉइंट्स है हमारे पास तो दो पॉइंट्स के केस में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे टू पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और साथ में x माइनस एक्स वन यही होती है आपकी टू पॉइंट फॉर्म ठीक है तो टू पॉइंट फॉर्म लगाकर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ठीक है जी तो पहले तो निकालेंगे हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन तो चलिए यहाँ पर ये टू पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ सारी वैल्यूज अब वाई वन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं सो दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई टू ठीक है तो वाई वन की जो वैल्यू है दैट इज साइन थीटा ठीक है इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू साइन फाइव माइनस साइन थीटा डिइडेड बाय कॉज फाइव माइनस कॉस थीटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा कैसे कर रही हूँ एक्स वन की वैल्यू आ गई कॉज थीटा ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी ठीक है तो इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया वाई माइनस साइन थीटा ठीक है इन टू कॉज फाइव माइनस कॉज थीटा ठीक है इसको मैं इधर ले गई इज इक्वल टू ये सारा एज इट इज़ लिख लिया साइन फाइव साइन थीटा ठीक है एक ब्रैकेट ये हो गई और दूसरी ब्रैकेट होगी x माइनस कॉस थीटा ठीक है अब क्या करना है आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके पास y कॉस फाइव ठीक है माइनस वाई कॉस थीटा दोनों को y से मल्टीप्लाई कर लिया आप साइन थीटा को करो साइन थीटा कॉज फाइव ठीक है ठीक है प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा कॉस थीटा है? कुछ टर्म्स तो कैंसिल होंगी ना तो इसलिए इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x ठीक है, थीटा, से लिखने है थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है अब यहां पर भी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहां पर भी प्लस साइन थीटा कॉसिटा थीटा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे ही सामने सामने कैंसिल कर दो अब इन दोनों टर्म्स में से मैं वाई कॉमन ले सकती हूँ बिल्कुल ले सकती हूँ तो मैंने वाई कॉमन ले लिया कॉज फाई माइनस कॉस थीटा ठीक है अब मेरे पास बचा सिर्फ यहाँ पर साइन थीटा कॉज फाइ साथ में अब ये एक्स वाली टर्म है ये भी एक्स वाली टर्म है इसमें से एक्स कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा साइन फाइ माइनस साइन थीटा ठीक है और साथ में साइन फाई और कॉज थीटा अब ध्यान रखना है यहाँ पर कैंसिल नहीं कर देना इन दोनों को क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर साइन फाई है ठीक है तो ये अलग अलग हैं तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर आपने राइट तो अब क्या करेंगे x वाली टर्म है ये x वाला टर्म है इक्वेशन है ना तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो y हो गया हमारे पास यहाँ पर साथ में cos phi माइनस कॉस थीटा ठीक है इस एक्स वाले पूरे पार्ट को हम इधर ले आए साइन फाइव माइनस साइन थीटा ठीक है इज इक्वल टू ठीक है तो क्या करा ये वाला पार्ट इधर लेके जाना है हमने तो साइन थीटा कॉस फाइव ये वाला जो पार्ट था इसको मैं इधर ले गई ठीक है सो माइनस साइन फाइ कॉस थीटा ठीक है अब यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी पूरी सॉर्टेड है इसको कुछ नहीं करना आपने अब यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड पे चेक करो आपने एक फ़ार्मूला पढ़ रखा होता है क्लास प्लस वन में ही हम आपको पढ़ाते हैं साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला दैट इज साइन एक्स कॉज वाई ठीक है माइनस साइन वाई कॉज एक्स यही पढ़ाते हैं ना ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे अप्लाई हो रहा है अगर मैं एक्स की जगह पर थीटा ले लूँ और वाई की जगह पर फाइ ले लूँ और अब इसको इस तरह से लिखूँ तो ये देखो साइन थीटा कॉज फाइ देन साइन फाइ कॉस थीटा ठीक है यही चीज़ बन रही है ना ये देखो यही चीज़ बन रही है तो ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला हो गया ठीक है साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला हो गया ठीक है जी यहाँ तक ओके है राइट सो so, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे y इंटू कोस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स ठीक है साइन फाइ माइनस साइन थीटा ठीक है ये हो गया अब हमारी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है इस तरह से पहले x वाली टर्म होती है फिर y वाली फिर कॉन्स्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हम जब इसको कंपैरिजन करके इसकी वैल्यूज़ निकालें तो प्रॉब्लम नहीं आए तो x वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया वाई वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया बाद में ठीक है कांस्टेंट टर्म इधर आके माइनस होगी साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये बन गई है इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसके ये दोनों क्या हैं पॉइंट्स हैं ठीक है, है जी यहाँ तक ओके okay है किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अब ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाली है तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस एक्स साइन एक्स नहीं सॉरी माइनस ऑफ साइन फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा ठीक है बी की वैल्यू आएगी आपके पास कॉज फाइव माइनस कॉज थीटा ठीक है और सी की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस साइन थीटा माइनस फाइव ठीक है ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज अब हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ठीक है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारा जो पॉइंट है वो क्या है जीरो कॉमा ज़ीरो क्यों क्योंकि ये देखो गया गया था क्या कहा गया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली हमने और ओरिजिन क्या है आपका पॉइंट है ठीक है यानी कि यहाँ पर x1 और y1 का जो काम है वो ये जीरो जीरो करेगा ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर अगर स्टेप में d जो है a को मल्टीप्लाई करूँ भी जीरो के साथ तो फैक्टर जीरो हो जाएगा तो मैं आपको लिख कर एक बार बता देती हूँ कि माइनस ऑफ साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू जीरो हो जाएगा ठीक है b जो है b क्या है आपका आपका कॉज phi माइनस कॉज थीटा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ आपके पास यहाँ पर सी ही बचेगा तो सी है आपका माइनस साइन थीटा माइनस फाइव ठीक है ये आपका आ गया ऊपर ठीक है और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये आ गया आपके पास माइनस इसलिए लिखनी क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा तो साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ठीक है और साथ में कॉज फाइव माइनस कॉज थीटा का होल स्क्वायर ठीक है जी यहाँ तक ओके है अब जो न्यूमरेटर में है ये पोर्शन भी जीरो हो गया ये पोर्शन भी जीरो हो गया सिर्फ मेरे पास मोड के अंदर बचेगा माइनस साइन थीटा माइनस फाइव ठीक है राइट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसके होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं ठीक है तो दिस इज साइन स्क्वाई ठीक है दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन फाइव साइन थीटा ठीक है इसको मैं लंबा कर देती हूँ ठीक है थोड़ा सा लाइन को राइट प्लस कॉज स्क्वेयर फाइव कॉज स्क्वेयर थीटा ठीक है प्लस टू cos फाइव कॉज थीटा ठीक है जी अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में आपको एक चीज़ पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स है ना हमारे पास क्या है हमारे पास ये चीज़ है हम ये चीज़ बना सकते हैं हम ये चीज़ बिल्कुल बना सकते हैं तो ये हम अंदर ले जाएंगे माइनस तो ये चेंज हो जाएंगे यानी कि ये बन गया साइन ऑफ फाइ माइनस थीटा क्योंकि अगर मैं थीटा के आगे माइनस लगाऊं तो ऐसे लिखूंगी ना माइनस थीटा प्लस फाइव तो इससे बेटर है आप फाइव माइनस थीटा लिख लो ठीक है मॉड के अंदर ही रखना है इसको डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस्क्वायर फाइव कितना हो गया वन ठीक है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा कितना हो गया वन ठीक है माइनस अब ये टू जो है वो मैं कॉमन ले सकती हूँ इन दोनों में से दोनों टर्म्स में से ये एक ये वाली टर्म है एक ये वाली टर्म है ठीक है तो मैंने अंदर कॉमन ले लिया ठीक है तो अंदर मेरे पास आया यहाँ पर साइन फाई साइन थीटा और साथ में कॉज फाई कॉस थीटा ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइन फाई है साइन थीटा कॉज फाई कॉस थीटा ये फिर किसी का फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला किसका है तो आपने पढ़ रखा होगा कॉज एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला इन द चैप्टर नंबर थ्री तो वो फॉर्मूला होता है कॉज एक्स कॉज वाई साइन एक्स साइन वाई ठीक है अगर थीटा और फाइव को आप एक्स और वाई में की टर्म्स में ले लो तो आपका यही फॉर्मूला बन रहा है ठीक है तो न्यूमरेटर जो है उसको मैं सेम रख रही हूँ फाइव माइनस थीटा ठीक है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू माइनस टू सो वन प्लस वन कितना हो गया टू माइनस टू और ये बन गया फॉर्मूला कॉज एक्स माइनस वाई यानी कि कॉज फाइव माइनस थीटा ठीक है जी अब डिनोमिनेटर में हम टू जो है वो कॉमन ले सकते हैं तो ठीक है साइन फाइव माइनस थीटा ये न्यूमरेटर जो है वो मैंने यहाँ पर सेम रहने दिया ठीक है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू कॉमन आ गया अंदर आ गया वन माइनस कॉज ठीक है फाइव माइनस थीटा ठीक है ये हो गया हमारे पास अब यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा अब ये फिर से किसका फॉर्मूला है वन माइनस कॉज थीटा ये हो जाएगा टू साइन स्क्र थीटा बाई टू यही होता है ना फॉर्मूला तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने कहाँ पढ़ रखे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ रखे हैं ठीक है सो ये हो गया टू इंटू टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू थीटा बाई टू मतलब ये फाइव माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो अब यहाँ से क्या होगा इसको हम मॉड के सॉरी इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे सो so, डी जो है वो क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ साइन फाई माइनस थीटा ठीक है न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा ठीक है डिवाइडेड बाय ये हो गया टू इंटू टू फोर तो इसका रूट जो है वो टू हो गया बाहर आ गया ठीक है रूट के अंदर क्या रह गया साइन स्क्वेयर ठीक है ये हो गया फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ठीक है तो इसको अगर हम लिखें पूरा आंसर तो मैं यहाँ पर आपका आंसर जो है वो लिख रही हूँ सो डी इज़ इक्वल टू ठीक है मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा फाई माइनस थीटा ठीक है न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ ही चल रहा है डिवाइडेड बाय टू और अगर हम इसका रूट हटाएं क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो इससे रूट के साथ कट जाएगा बट इसको हम रखेंगे मॉड के अंदर साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ठीक है ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैलर टू द वाई एक्सिस ठीक है तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है वो हमारी पैरलर है एक्स एक्सिस के ठीक है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ठीक है तो ए, वो लाइन जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट से बनी हुई है ठीक है अब दो लाइन्स हैं तो पहले हम इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो पहली लाइन है x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव और दूसरी लाइन होगी थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अब दोनों के आ, हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं दो इक्वेशंस हैं हमारे पास तो पहली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर लो सो थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन वाई इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन ऐसा क्यों किया ताकि मैं किसी x या y का कोऑर्डिनेट जो है वो मतलब कफिशेंट जो है वो सेम कर सकूं। अब सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो ठीक है साइंस कर दो चेंज ठीक है तो थ्री एक्स थ्री एक्स कैंसिल ये बन गया ट्वेंटी टू वाई ये बन गया फिफ्टीन तो वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू ठीक है वाई की वैल्यू आ गई फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू अब ये जो थ्री एक्स प्लस वाई है इसमें पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो सो थ्री एक्स माइन प्लस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू उधर चला गया और ये थ्री को भी उधर ले जाओ ट्वेंटी टू इंटू थ्री थ्री फाइव सा फिफ़्टीन तो एक्स की वैल्यू आई माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू ठीक है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ठीक है तो ये हमारा निकल आया है एक्स वाई का पॉइंट दैट इज माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू और फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू ठीक है ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हमें क्या बोला गया था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरलर टू द वाई एक्सिस ठीक है तो एनी लाइन जो पैरलर होगी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने करा था एनी लाइन दैट इज पैरलर टू द वाई एक्सिस ठीक है इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होगी आपकी x इज इक्वल्स टू पी फॉर्म की होगी वेयर जो p है वो कोई कॉन्स्टेंट है और यहां पर x की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू है सो देर फोर इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू द y एक्सिस ठीक है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेर इट मीट्स द y एक्सिस ठीक है अब ये आपको गिवन है इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है ये आपको लाइन गिवन है ठीक है यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपका फोर है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपका क्या है सिक्स है इतनी तो बात यहाँ से क्लियर हो गई अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से निकालना चाहूँ तो फोर और सिक्स का एल्सियम ट्वेल्व हो गया सो दिस इज़ थ्री एक्स दिस इज़ टू वाई इक्वल्स टू वन सो थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है अब उसने कहा क्या है उसने कहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन पर पेंडिकुलर टू द लाइन ठीक है तो ये मान लेते हैं कि लेट ये लाइन ए बी है सो लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी ठीक है जो हमने अभी निकाली इज या बी लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है मान लिया कि हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें ये हमें हमने अभी निकाली है ठीक है अब एक और लाइन लेनी पड़ेगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो लेट मान लेते हैं अनदर लाइन सी डी ठीक है अनदर लाइन सी डी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है अब अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं ठीक है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है माइनस वन होता है तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू माइनस वन ये तो हमें अच्छे से पता है अब हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे निकाल लेंगे हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वॉट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो यानी कि y को रहने दो आ, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी चीज़ों को ले जाओ हमारी राइट हैंड साइड पे। सिर्फ y को 3x एक्स बाई टू ठीक है प्लस ट्वेल्व बाई टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस सिक्स ठीक है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी देखो और x का कफ़िशेंट क्या होता है m, m क्या होती है हमारी m क्या होती है स्लोप होती है तो देअर जो स्लोप है वो आ गई आपकी माइनस थ्री बाई टू ठीक है ये किसकी स्लोप आई है ये आई है स्लोप ऑफ लाइन ए बी की तो यहां पुट करो सी डी की स्लोप निकल आएगी स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू तो माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल इस थ्री बाय टू को उधर ले जाओ ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो टू बाय थ्री बन जाएगा ठीक है अब ये भी निकल आई स्लोप ऑफ सी डी भी निकल आई ठीक है अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ अ लाइन यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड आउट करनी थी अब यहाँ पर सी डी की स्लोप तो आ गई है पॉइंट कहाँ से पता चलेगा पॉइंट हमें पता चलेगा हमारे यहाँ पर डायग्रामेटिकली जब हम इसको समझेंगे तब पता चलेगा ठीक है अब यहाँ पर मैंने ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फोर और सिक्स क्यों करवाया था सबसे पहले ये देखो x इंटरसेप्ट यानी कि अगर फोर वैल्यू यहाँ है और सिक्स वैल्यू y की यहाँ पर है तो ले लाइन जो है वो इस तरह से जा रही है ठीक है और ये y एक्सिस पे कहाँ पर मीट कर रही है ये मीट कर रही है और ये पॉइंट क्या होगा जीरो कॉमा सिक्स क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोर्डिनेट क्या होगा ज़ीरो होगा तो देखो ये जो पॉइंट है ठीक है वो क्या बन गया जीरो कॉमा सिक्स ठीक है जो इसकी स्लोप है सी डी की वो हो गई टू बाई थ्री ठीक है इक्वेशन निकल आएगी अब बिल्कुल निकल आएगी पॉइंट स्लो फॉर्म लगाओ वाई इज इक्वल टू वाई नॉट एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट पुट करो वैल्यूज वाई माइनस सिक्स टू बाई थ्री एक्स माइनस ज़ीरो थ्री को इधर ले जाओ थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है अब सारी चीज़ों को ले आओ राइट हैंड साइड पर ज़ीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक है